अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि मैं बच्चों को जो है बड़े होने के बाद मैं फीड किस तरह करा रहा होता हूँ। ये बहुत गाढ़ी फीड है, आप भी देख रहे होंगे कि मैं अक्सर बच्चों को गाढ़ी फीड ही कराता हूँ, मगर मैं आपके सामने इसको थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ मैं, ताकि आप लोग इतनी गाढ़ी ना करवाया करें। और ये मैं कौन सी फीड करवा रहा हूँ, ये मेड इन पाकिस्तान है, ऑर्गेनिक फीड है। ये बच्चे देख ले किस तरह आ रहे हैं मेरे पास लिबकते हुए, मैं इसी तरीके से इनको खिला रहा होता हूँ, मैं सिरिंज के साथ नहीं खिलाता मैं, और इन्होंने अपने मुंह में अपने आप डालनी होती है ये। इससे बच्चों को ये फ़ायदा होगा, बच्चों को जितनी भूख है उतना खाएंगे। हमने क्या करना होता है, हमने 20-20 सीसी की सिरिंजें रखी हुई होती हैं और वो उनके हलक में एक दफ़ा ही घुसा देते हैं हम। उससे नुकसान सबसे बड़ा ये होता है, जिस वक्त बर्ड जो है सेल्फ मूड पर आता है, जब यानी कि खुद उसका खाने का दिल करता है, तो हमारे से वो एक्सपायर हो जाते हैं वो। और ये देख लें, जिसका जितना दिल करेगा मैं उतनी ही दूंगा इसको, ज़्यादा नहीं दूंगा मैं इनको। और ये जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता आगे आएंगे, अभी बच्चे जिसको जितनी भूख लगेगी वो आहिस्ता आहिस्ता आगे आने शुरू हो जाएंगे वो। और मैंने ये नहीं करना कि भी सबके हलक में खुद डालनी है, जितनी भूख है उनको उतनी ही देनी है बस। बाकी अगर पोट खाली रखना चाहते हैं वो खाली रखें, मैंने ये नहीं करना कि भी उनको बस ये ख़त्म करनी है फीड, नहीं ये नहीं करना मैंने। जितनी उनकी ज़रूरत है, जितनी नीड है उनको उतनी देनी है। और क्योंकि गर्मी हो गई है, आज अप्रैल की 1 तारीख हो गई है, तो अप्रैल के मौसम में आपको पता है कि मौसम काफ़ी गर्म होना शुरू हो जाता है। वैसे तो लाहौर में थोड़ा सा ठंडा हो गया मौसम, तो मगर फिर भी जानवर है, जानवर को जो है आपको पता है प्यास बहुत लगती है जब ये गर्म चीज़ें खा रहे होते हैं। इसमें काला चना ग्राइंड किया हुआ मैंने, भुना हुआ, जो भुना हुआ होता है, कच्चा नहीं, और मुख्तलिफ चीज़ें मिक्स की हुई है इसमें, ताकि इनकी जो हेल्थ है वो अच्छी से अच्छी रहे। ये बच्चे जो हैं साइड पर जो भाग रहे हैं, इनको मैं आहिस्ता आहिस्ता इस तरह लाता रहूँगा मैं, और ये फीड लेते रहेंगे और दाएँ बाएँ भागते रहेंगे। जिसका दिल नहीं कर रहा वो ना खाए मेरी भला से, मैंने उनको भूखा ही रहने देना है। थोड़ा टाइम जरूर लगता है इस तरह खिलाने में इनको, और देखें किस तरह वाले भर भर के खा रहे होते हैं ये। इस तरह फीड कराने में बहुत टाइम लगता है। ये आप शर्ट भी देख रहे होंगे कितनी ख़राब हुई हुई गिर गई है, जो गिर गई है वो ज़ाया है, वो मैंने दोबारा नहीं उठानी। हालांकि साफ़ शर्ट मैंने बिछाई हुई है अपनी,